तो दोस्तों हम में से लगभग सभी लोगों के पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है, जिसका यूज़ करके हम लोग एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके शॉपिंग या फिर बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन आप सभी ने यह नोटिस ज़रूर किया होगा कि आपके डेबिट या एटीएम कार्ड में किसी कार्ड में रुपये, तो किसी कार्ड में वीज़ा, तो किसी कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा हुआ रहता है। तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि डेबिट कार्ड में रुपए, तो किसी में वीज़ा, तो किसी कार्ड में मास्टर कार्ड क्यों लिखा होता है और इनके बीच क्या डिफरेंस है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि रुपए, मास्टर कार्ड और वीज़ा में कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसमें सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, और साथ ही आपके लिए कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखे, और साथ ही साथ इनमें से कौन सा कार्ड यूज़ करने पर आपको कम चार्जेस पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये सभी चीज़ें नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड के बीच डिफरेंस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये तीनों चीज़ें क्या है और इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों अगर इसको सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड अलग अलग पेमेंट गेटवेज हैं जो बैंक और कस्टमर के बीच किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी पर्सन को पैसा सेंड करते हैं तो ऐसे में आपके किए गए ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये आपके बैंक और सामने वाले पर्सन के बैंक के बीच का नेटवर्क बन जाता है और इन्हीं पेमेंट गेटवेज की वजह से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। फिर चाहे आप एटीएम मशीन से पैसा निकालें या किसी को ऑनलाइन पैसा सेंड करें या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करके पेमेंट करें, यानी कि किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, रुपए, वीज़ा या मास्टर कार्ड इसको कंप्लीट करने के लिए नेटवर्क का काम करता है। और इसी वजह से किसी भी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में रुपए, तो किसी में वीज़ा, तो किसी में मास्टर कार्ड लिखा हुआ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तीनों अलग अलग कंपनीज या पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन इन तीनों का काम पेमेंट कंप्लीट करवाना ही होता है। लेकिन तीनों के अपने अपने फायदे और नुकसान भी हैं। तो अब हम लोग यह तो समझ गए कि आखिर रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड का क्या काम होता है, लेकिन अब हम लोग इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए हमारी इंडियन पेमेंट कंपनी है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने मार्च 2012 में लॉन्च किया था ताकि हमारे इंडिया का खुद का एक पेमेंट सिस्टम बन सके। वहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड इंटरनेशनल कंपनीज है। इसके फायदे की बात करें तो इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क होने की वजह से आप इसके ज़रिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर इनके ट्रांजेक्शन फीस की बात करें तो वीज़ा और मास्टर कार्ड का इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज होने की वजह से काफ़ी हाई चार्जेस रहता है। वहीं रुपए के जरिए इंडिया के अंदर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी वजह से इसके ट्रांजेक्शन फीस काफ़ी कम होती है। और साथ ही साथ बैंक को मास्टर या वीज़ा कार्ड अपने कस्टमर को देने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं, पर वहीं रुपए के साथ ऐसा नहीं है। रुपए कार्ड देने पर बैंक को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस वजह से न सिर्फ बैंक के लिए रुपए कार्ड फायदेमंद है बल्कि कस्टमर के लिए भी ये रुपए कार्ड काफ़ी फायदेमंद है। और साथ ही साथ रुपए का इंडियन पेमेंट गेटवेज होने के कारण जो भी चार्जेस ट्रांजेक्शन में लगते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन फीस इंडिया के पास ही जाती है। और वहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड के केस में चार्जेस और ट्रांजेक्शन फीस सभी इंडिया में ना जाके जहाँ की ये कंपनी है वहीं चली जाती है। तो इस तरह से रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड और वीज़ा के बीच ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अब हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर हमारे लिए इनमें से कौन सा कार्ड बेस्ट रहेगा जो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दे सके। तो दोस्तों इसे सीधे और सरल शब्दों में बताएं तो अगर आप इंडिया से बाहर पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में आपके लिए वीज़ा या मास्टर कार्ड बेस्ट रहेगा। साथ ही इसके ज़रिए इंटरनेशनल पेमेंट करने पर और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए रुपए कार्ड सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके ज़रिए लगने वाले ट्रांजेक्शन फीस भी काफ़ी कम होती है और साथ ही साथ जो भी थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास ही जाती है। तो इस तरह रुपए कार्ड का यूज़ करने से हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। और साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि रुपए कार्ड अब भारत सहित सिंगापुर, भूटान, मालदीव्स, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ
पर रुपे कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि अब आप इन कंट्रीज में भी रुपे कार्ड का यूज कर सकते हैं। यानी कि अब रुपे कार्ड धीरे धीरे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तरह इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज बनने वाला है। तो दोस्तों, रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जिन्हें आपको आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ इनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में ही बात किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोस में। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।